घोषित कराने 45,000 संविदा कर्मचारी हड़ताल पर बिजली सप्लाई पर पड़ सकता है असर। मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी प्रदेश में हड़ताल पर चले गए हैं, इससे प्रदेश की बिजली सप्लाई और मेंटेनेंस पर असर पड़ सकता है। संगठन की मांग है कि उन्हें कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। कोरोना के मार अब शव के अंतिम संस्कार पर लोगों के लिए महंगा होता जा रहा, अपनों को आखिरी विदाई देना। मध्य प्रदेश की राजधानी में अंतिम संस्कार पर भी वायरस की मार पड़ गई। यहाँ अब अंतिम विदाई के पैसे ज्यादा नहीं होंगे, लकड़ी और कर्मचारियों की कमी से ये दाम बढ़ गए हैं। नीमच से बनासा कोविड सेंटर पर गैस सिलेंडर लेकर आ रही एम्बुलेंस खाई में पलटी, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। दोपहर 1 बजे के करीब नीमच बनासा रोड पर मिराज लोकेज के यहाँ बनासा कोविड सेंटर के लिए गैस सिलेंडर लेकर आ रही एम्बुलेंस सामने से आ रही बाइक को बचाने के दौरान पलटी खा गई, जिसमें एम्बुलेंस पायलट विक्रम धनगर का हाथ फ्रैक्चर हो गया। वहीं एम्बुलेंस में 10 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे थे। मोरवन के पास जंगल में मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। सरवानिया चौकी क्षेत्र मोरवन के पास जंगल में आज एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। लाश की सूचना मिलते ही सरवानिया महाराज चौकी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। पुलिस जांच में जुटी गई है। कोरोना कर्फ्यू में कलेक्टर के आदेश के बावजूद 5 जगह हो रही थी शादियां, एसडीएम और पुलिस ने घरों पर मार दिया छापा। महाकाल की नगरी उज्जैन, यहाँ कोरोना कर्फ्यू को लोग नहीं मान रहे हैं। कलेक्टर के आदेश के बावजूद 5 जगह शादियां हो रही थी, अचानक एसडीएम और पुलिस ने घरों पर छापा मार दिया। जिला अस्पताल में 2 वार्ड बॉय ने भर्ती महिला का ऑक्सीजन पाइप निकाला, कान के टॉक्स भी खींच ले गए, बेटे ने देखा तो भाग गए। ग्वालियर के जिला अस्पताल मुरार में संक्रमित महिला मरीज की जान लेने की कोशिश की गई। यहाँ 2 वार्ड बॉय ने कोविड पेशेंट महिला के ऑक्सीजन का पाइप निकाल कर उसे मारने का प्रयास किया। जब महिला के बेटे ने देखा तो पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी उसे धक्का मार कर भाग गए। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। ऐसे ही हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपनी।